सीसीटीवी 24 न्यूज भारतीय सामाजिक सेवा संस्था के रोसड़ा प्रदेश कार्यालय का भव्य शुभारंभ हुआ। समस्तीपुर से अरविंद कुमार रोसड़ा भारतीय सामाजिक संस्था के रोसड़ा प्रदेश कार्यालय का भव्य शुभारंभ हुआ। संस्था के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष राम प्रवेश कुमार जी ने बोला कि इस कार्यालय में हर एक समस्या का निदान होगा। इस कार्यालय का उद्घाटन विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय कोषा अध्यक्ष व रोसड़ा के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने किया एवं मुख्य अतिथि के रूप में रोसड़ा अंचल अधिकारी सीओ साहब पाली यादव जी मौजूद थे। सीओ साहब बोले संस्था के द्वारा हर एक गरीब लोगों को मदद मिलेगी एवं संस्था को कल्याणकारी योजना में हमेशा सहयोग करूंगी। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम प्रवेश कुमार जी ने कहा कि इस कार्यालय का मुख्य उद्देश्य होगा कि गरीब पिछड़े लोगों की भलाई, समाज सेवा, सामाजिक कार्य, गरीब लोगों को मुफ्त में इलाज की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था पर संगठन की विशेष ध्यान रहेगा। गरीब लोगों को स्वरोजगार के लिए संस्था के द्वारा 30,000 से 60,000 रुपया रोजगार के लिए लोन के रूप में दिया जाएगा। जन जागरण को ठीक करना एवं पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान साथी को संस्था के द्वारा रोजगार भी दिया जाएगा। अन्य हजारों कल्याणकारी काम करना संस्था का मुख्य उद्देश्य होगा। इस मौके पर सैकड़ों लोग उपस्थित थे। हमारे समाज के बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं, तो उसको जो है समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रशासन तो काम कर ही रही है, लेकिन और बहुत सारे जो साधन और साध जो होता है, तो साध को प्राप्त करने के लिए साधन अलग अलग हो सकता है। जैसे हम प्रशासन है, फिर डॉक्टर साहब भी है, फिर एनजीओ है, तो उस सब के माध्यम से लक्ष्य हम लोग का एक ही है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, गरीबों का उत्थान करना, जो मुख्यधारा से कटे हैं उनको मुख्यधारा में लाना। जैसे कि इन्होंने बताया कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो 14 वर्ष से कम उम्र का जो है उसको श्रम नहीं करवाना है, भारतीय बाल श्रम प्रतिशत अधिनियम 1986 के तहत, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो बहुत अच्छा सार्थक प्रयास है, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस दिशा में ये काम करें, हम लोग का भी हमेशा सहयोग रहेगा।